हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे पेटी कैश बुक का। शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया हो, और यदि ट्राई किया है और आंसर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी इस क्वेश्चन में बुक का जो आंसर है वो गलत है। चलिए देखते हैं। राजन मेंटेन्स कॉलमनर पेटी ऑन इम्प्रेस सिस्टम। कॉलमनर मतलब यही एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है ना। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000, मतलब दिस इज द अमाउंट विच यू हैव टू मेंटेन इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, लाइक एनी मंथ और क्वार्टर और वीक और वॉट एवर, ठीक है ना। इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हाउ हिज पेटी कैश बुक वुड अपियर फॉर द वीक एंडेड 12 सेप्टेम्बर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम है ये पांच कॉलम्स आपको याद हैं, उसके बाद आपको ये भी याद है कि किस तरीके से हम दूसरे एक्सपेंसेस के हेड लिखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे पोस्टेज दिख रहा है तो मैं यहाँ पे पोस्टेज लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए ये स्टेशनरी, जगह थोड़ी कम है। उसके बाद आइए कन्वेयंस है, ये कन्वेयंस हो गया, ठीक है। मेरे को जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, आपके पास जगह होगी पर्याप्त मेरे ख्याल से। और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस अपन सन्ड्रीज में डाल देते हैं, ठीक है ना। सन्ड्रीज और मिसलेनियस एक ही बात है ना। मिसलेनियस मतलब अलग अलग प्रकार के छोटे खर्चे, उसका भी अलग हेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखते हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट तो एक मिनट देख लें और क्या है। रिपेयर्स है, पोस्टेज है, ट्रेवलिंग है, चलो लिख देते हैं एंटरटेनमेंट भी लिख देते हैं, बहुत जगह है हमारे पास ऑलरेडी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिपेयर्स 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 नहीं लिखा है ना, तो चलो रिपेयर्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिपेयर्स भी हो गया, पोस्टेज ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रेवलिंग लिखा हुआ है, मिसलेनियस लिखा है, ये लिखा है इसको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सन्ड्रीज यहाँ पे लिख देते हैं, आखिरी कॉलम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉपी पेस्ट किया। आपको क्या करना है, आपको तो ड्रॉ करना है, तो आप उतने ही कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जितने की आपको जरूरत है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखूंगा बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेट भी लिख देता हूँ मैं, सेप्टेम्बर 7, कितना अमाउंट है बोलो। ये है 1349, राइट। रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट इन्वेस्टमेंट टू मेक अप द इंप्रेस्ट। इंप्रेस्ट मतलब एडवांस है ना, एक एडवांस अमाउंट दे दिया जाता है पेटी कैशियर को, ठीक है ना। तो हर हफ्ते इस क्वेश्चन के हिसाब से हर हफ्ते पेटी कैशियर को 5,000 दे दिया जाता होगा, ठीक है ना। तो उसके पास यदि 1349 था तो हमको अब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो 5,000 हो जाए। तो 5,000 माइनस 1349 ऐसा करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाता है 5,000 माइनस 1349, 3651 हम उसे और देंगे ताकि आपका इंप्रेस्ट मेंटेन हो जाए, है ना। वी हैव टू रिमबर्स हिम हाउ मच, 3651, ठीक है ना। ये उसी डेट की बात है, 7 सितंबर, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, टू कैश, राइट, सिंपल है ना। अब आओ यहाँ पे पोस्टेज, तो अब मैं यहाँ पे 7 सितंबर की ही बात चल रही है, मैं लिखूंगा बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज में 123 यहाँ लिखा, 123 यहाँ लिखा, याद है ना बेटा, फॉर्मेट याद रखना है आपको। मैंने आपको बोला था कि आपको बनाना है, दो तीन बार तो बनाना है आपको, ठीक है। फिर स्टेशनरी आ जाओ, तो बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी है 321, 321, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कन्वेयंस, अब आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, सितंबर 8, क्या लिखना है बोलो, बाय कन्वेयंस। बाय कन्वेंस में कितना आएगा, 126, तो मैं यहाँ पे कन्वेंस कॉलम में भी लिख देता हूँ 126। मिसलेनियस बाय
मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, कितना, 11 रुपये बेटा। तो ये 11 यहाँ पे लिखा, और मिसलेनियस मतलब ये सन्ड्रीज में मैंने 11 और लिख दिया। फिर उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट कितना है, 72, तो ये 72। उसके बाद है रिपेयर्स, ये कब है, सितंबर 9, क्या है, रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर, ठीक है, बाय रिपेयर्स कितना है, रिपेयर्स है 1567, 1567 रिपेयर्स कॉलम में लिख दिया 1567, ठीक है। फिर सितंबर 10, सितंबर 10 क्या लिखना है बोलो, बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज कितना, 174, ये 174। फिर बाय क्या लिखना है बोलो, कन्वेयंस, कन्वेयंस है ना, कन्वेयंस कितना है, 673। और यहाँ पे ये 673। फिर उसके बाद आता है सितंबर 12, क्या लिखना है बोलो, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है, 201, 201, ये 201 आ जाएगा इस कॉलम में, राइट। उसके बाद आता है बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज, पोस्टेज कितना है, 483, 483, 483, राइट। फिर है बाय रिपेयर, बाय रिपेयर कितना है, 30, तो रिपेयर्स कॉलम कहाँ है, ये है रिपेयर्स कॉलम, 30, ठीक है। क्या करना है याद है आपको, बताओ फटाफट। अब आपको टोटल करना है, पहले ये इन कॉलम्स का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 212। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1597, 72, 126 एंड 673, तो ये हो जाता है 799, 321, 123 प्लस 174 प्लस 483, तो ये हो जाता है 780। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, 123 प्लस 321, 126, 11, 72, 1567, 174, 673, 201, 483 एंड 30, तो ये आ रहा है 3781, ठीक है। यू ऑलरेडी हैड हाउ मच मनी, 5000, एंड आउट ऑफ दोज 5000 यू पेड हाउ मच, 3781, सो व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग विथ यू, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस क्या, कैरी डाउन, ठीक है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या लिखेंगे बोलो, 3781 माइनस 5000, 1219। अब आप कहेंगे सर बुक में अलग आंसर दिया है, हाँ बेटा मैंने पहले ही बताया आपको, बुक में अल्टीमेटली आखिर ह्यूमन सी बुक लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हो जाता है ह्यूमन एरर, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब यहाँ पे बाय बैलेंस हो गया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 1219 इधर आ जाएगा, और फिर अगले महीने में, अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते मतलब आपका ये 13 सितंबर है ना, सितंबर 13 या 14, वॉट एवर जो भी होगा है ना, तो सितंबर 13 ही में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास कैश आ जाएगा रिमेनिंग, फिर से उसको 5000 बनाने के लिए, तो ये 3781, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो खुद से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, चलो बाय बाय।